कहते हैं जिंदगी में जब संरक्षक का साथ छूट जाता है और कदम थकने लगते हैं तो उस वक्त हौसला आपके साथ होता है और फिर हर संघर्ष हो जाता है आसान। हार न मानने की जिद, समझौता किसी कीमत पर नहीं, और जहन में जीत का जज्बा हो तो फिर एक वक्त के बाद इंसाफ खुद ब खुद आपकी चौखट पर खड़ा होता है। इस कहानी की भी कुछ यही हकीकत है। चांदनी सिंह, यही नाम है उस जिद का, यही नाम है उस संघर्ष का, और यही नाम है उम्मीद की उस जीत का, जिसने एक बाहुबली नेता को सियासी गलियारों से निकालकर सलाखों के सफर पर भेजा है। जी हां, उस बाहुबली का नाम है प्रभुनाथ सिंह। बिहार के सारण में जिसकी अपनी सरकार थी और जिसे आवाम छपरा का नाथ कहती थी, सियासत का वो प्रभु, छपरा का वो नाथ अब जेल की काल कोठरी में कैद हो चुका है। ये आदमी कभी कानून व्यवस्था और न्याय को समझा ही नहीं था, लेकिन हजारीबाग न्यायालय ने इसको सारा चीज समझा दिया। प्रभुनाथ सिंह बिहार की सियासत का वो नाम है जो कभी सियासत की शिखर पर पहुंचा तो कभी उसे अपने ही शागिर्द से शिकस्त मिली। कभी उसने लालू प्रसाद यादव का हाथ थामा तो कभी नीतीश कुमार की पनाह में गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रभुनाथ सिंह ये भूल गया कि सियासत सरोकारों से चलती है और सियासी शिखर की यात्रा में उसे इस बात का इल्म नहीं रहा कि उसकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। फिर आया वो दिन जो प्रभुनाथ सिंह की जिंदगी के सियासी कैलेंडर में बन गई एक तारीख। खबर झारखंड से। झारखंड के हजारीबाग जिले की अदालत ने पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह की उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला 22 साल पुराना है। हजारीबाग कोर्ट ने पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1995 की घटना है। बिहार के सियासत के सरपरस्तों के पहले सफे में जिस बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह का नाम लिया जाता था, उसे अपने ही शागिर्द की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली। यानी कि कह सकते हैं कि इस सजा के साथ ही बिहार के इस प्रभु का सियासी सूरज अस्त होने लगा। प्रभुनाथ सिंह की कहानी बस इतनी नहीं, करीब 30 साल तक अपने बाहुबल के दम पर सत्ता में काबिज रहने वाले उस प्रभु की कहानी जानने के लिए हमें उसके अतीत के पन्नों को पलटना बेहद जरूरी है। वो साल था 1985 जब बिहार के छपरा जिले के एक सीमेंट कारोबारी ने सियासी गलियारों में कदम रखा। नाम था प्रभुनाथ सिंह। हमारा टारगेट है कि गांव का एक एक सड़क पक्कीकरण हो जाए, एक एक। कहते हैं सियासत में कामयाबी के लिए किसी सरपरस्त का होना बेहद जरूरी है, लेकिन उस वक्त तक प्रभुनाथ सिंह ने किसी की सरपरस्ती हासिल नहीं की थी। लिहाजा पहले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन हासिल नहीं हुआ तो निर्दलीय ही कूद पड़ा सियासी समर में। बाकी कसर धनबल और बाहुबल ने पूरी कर दी। छपरा के मशरक विधानसभा से चुनाव जीतकर प्रभुनाथ सिंह ने सियासी सफर की शुरुआत की। लेकिन छपरा के इस नाथ का सियासी दामन तब तक दागदार हो चुका था। दरहकीकत प्रभुनाथ सिंह पर मशरक के पूर्व विधायक रामदेव सिंह काका की हत्या का आरोप उस वक्त लगा जब उसने सियासी सफर की शुरुआत भी नहीं की थी। शायद तभी जैसे ही प्रभुनाथ अपनी पहली जीत के साथ विधानसभा में दाखिल हुए, उसके बाहुबल की पनाह में सियासी बैतरनी पार करने की कोशिश हर नेता की हो गई,
शायद तभी 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के पोस्टर पर प्रभु का नाम चस्पा हुआ और पार्टी के सरपरस्तों को भी प्रभु ने निराश नहीं किया। ये वो वक्त था जब अशोक सिंह साई की तरह अपने नाथ के साथ रहकर सियासी गणित सीख रहा था। कहते हैं सियासत में कोई किसी का शागिर्द नहीं होता और न ही होता है कोई किसी का सरपरस्त। बस वक्त की नजाकत के साथ सही और गलत का फैसला ही सियासी सफर में कामयाबी का एक आदत पैमाना है। साल 1995 विधानसभा चुनाव। प्रभुनाथ सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पार्टी के आलाकमान उससे यूं मुंह फेर लेंगे। लेकिन चुनाव के एन पहले ऐलान हुआ और जनता दल ने प्रभुनाथ सिंह पर दोबारा भरोसा नहीं जताया और उसके कथित शागिर्द अशोक सिंह को मशरक से अपना उम्मीदवार बनाया। नोट को वोट में इन्वेस्ट करने का हुनर जानता था बाहुबली प्रभुनाथ सिंह, लिहाजा उम्मीद थी कि पार्टी कोई भी हो जनता के बीच उसकी जीत पक्की है। बिहार पीपल्स पार्टी के बैनर तले तीसरी बार सियासी समर में किस्मत आजमाने उतरा प्रभुनाथ सिंह। लेकिन कहते हैं उस वक्त तक प्रभुनाथ सियासी सरोकार को भूल चुका था, उसके लोकतांत्रिक आचरण कहीं गुम हो गए थे। वो भूल गया था कि जब आचरण निरंकुश हो जाए तो बुनियादें हिल जाती हैं। जवाब जनता ने दे दिया, नतीजा ये हुआ कि प्रभुनाथ अपनी जीत की हैट्रिक से दूर हो गया। अजय सिंह अपनी नाथ की कुर्सी पर काबिज हो गया और सियासी गलियारों में अपनी पहचान बनाने लगा। दूसरी तरफ प्रभुनाथ सिंह अपमान का घूंट पीकर रह गया। ये वो वक्त था जब प्रभुनाथ सिंह ने समझौते की राजनीति में पनाह ली। लेकिन हाँ, अपने उस शागिर्द से बदले की खातिर मुफीद मौके का इंतजार जरूर करता रहा। 3 जुलाई 1995, अशोक सिंह को विधायक बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि पटना के सरकारी आवास पर अशोक सिंह को मौत की नींद सुला दिया गया। समझने में देर नहीं लगी कि हत्या किसके इशारे पर की गई है, क्योंकि जिन लोगों ने बम से अशोक के जिस्म के चीथड़े उड़ाए थे उनमें प्रभुनाथ का भाई मौके पर मौजूद था। अपने पति की सांसों को उसके जिस्म से जुदा होते तो उस चांदनी ने देखा था, जिसकी जिंदगी में कुछ बच गया तो सिर्फ स्याह अंधेरा। लेकिन चांदनी के उस स्याह अंधेरे में भी उम्मीद की एक लौ जल रही थी, उम्मीद इंसाफ की। चांदनी अदालत की चौखट पर सबूतों की रोशनी में इंसाफ का इंतजार कर रही थी। हर तारीख पर उसके उम्मीदों की रोशनी मध्यम पर रही थी, लेकिन हाँ, उसने हौसले के डोर को थामे रखा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इस दागी प्रभु को सियासत के सरपरस्तों ने पनाह दी, तब उसकी हिम्मत जरूर जवाब दे गई। प्रभुनाथ समता पार्टी की पनाह में गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में महराजगंज से जीत हासिल की और पहुंच गया देश की सबसे बड़ी पंचायत में। सियासत फिर से प्रभु के कदमों में थी, लिहाजा कानून के मुलाजिम सजदे की शक्ल में सामने थे। कह सकते हैं कि ये वो दौर था जब प्रभुनाथ कामयाब सियासत के सफर पर निकला। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं, इन दोनों घटना में कहीं भी बलात्कार का आप लोग जिक्र नहीं किया गया और 19 अगस्त के बाद हम तो बोला है स्टेट आई सी इफ इट इज होल्ड स्टेट मैटर। ये वो वक्त था जब प्रभुनाथ सिंह पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए, कभी जिले के डीएम को धमकाने के मामले में तो कभी चुनाव आयोग पर तंज कसने के मामले में। लेकिन सच तो ये है
कि सियासी रसूख के चलते प्रभुनाथ सिंह हर बार कानूनी शिकंजे से दूर रहा। चाहे दामन पर कितने भी दाग क्यों ना हो, वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर दागदार दामन को बेदाग करने की जुगत में लगा रहा। ऐसा नहीं है कि कामयाबी नहीं मिली, बल्कि इसी दौरान रामदेव सिंह काका की हत्या के आरोप से वो बरी भी हुआ। समता पार्टी के जेडीयू ने प्रभुनाथ सिंह के बाहुबल पर भरोसा जताया और एक बार नहीं बल्कि तीन बार जीत हासिल की। लेकिन जिस भरोसे की बुनियाद पर प्रभुनाथ सिंह जेडीयू में शामिल हुआ था, उसे ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सका और जेडीयू से अलग होकर प्रभुनाथ सिंह ने आरजेडी की पनाह ली। लालू को लगा कि बाहुबल के दम पर अग्रों की वोट पर कब्जा कर बिहार की सियासत दोबारा हासिल कर सकते हैं। शायद तभी लालू ने प्रभुनाथ के लिए जमकर कसीदे भी पढ़े। हम कहा कि नहीं, तीर को तोड़ के प्रभुनाथ सिंह फेंक दिया भाई, लालटेन हम दे दिया, लालटेन दे दिया, तेजा कहीं कोई लड़ाई नहीं छे। हम अपील करता नहीं ब्रह्मर्षि समाज से, सब समाज से, एक एक वोट रवालो लालू और हमारे पार्टी के उम्मीदवार को आप दीजिए। बिहार के चढ़ाई करेगा बाद दिल्ली पर, 6 महीना के बाद दंगल होगा दिल्ली का दंगल। ई तो भाई सेमीफाइनल बा, फाइनल हो 6 महीना के बाद दिल्ली पर बिहार का चढ़ाई करना है, कोई जात पात नहीं चलेगा। गरीब गुरबा सब लोग का मिलकर रखिया साथ है। कि लालू खत्म हो गए, लालू गैले गैले गैल, 20 साल से आप लोग सुनते होंगे लालू गैल, आखिर कहां से लालू उधिया के आई। तो आप बचे वाला नहीं थे, बताओ भाई नीतीश कुमार के हम बढ़िया से जानता नहीं, खूब जाना था नहीं, बहुत बार बार हम बताए के नहीं खींचा है, फूल लगा के पूछवावत हो क्या बोला। ये बात और है कि महराजगंज उपचुनाव में लालू के भरोसे पर प्रभुनाथ खरे उतरे और उसने जीत हासिल की, लेकिन ये जीत जनता पर खुद के भरोसे की जीत शायद नहीं थी। ९८ से लेकर 2009 तक कामयाब सियासी सफर पर चलता रहा प्रभुनाथ सिंह, लेकिन 2009 के सियासी समर में उसे शिकस्त मिली। उसके बाद कभी जीत तो कभी हार, दोनों ही रंग उसकी सियासी जिंदगी में घुलते गए। प्रभुनाथ सिंह अपनी दबंग हैसियत के चलते ही छोटे भाई केदारनाथ सिंह को मशरक व बनियापुर से 3 बार जीत दिलाने में कामयाब हुआ। इतना ही नहीं, छपरा विधानसभा सीट से 2014 में हुए उपचुनाव में वो अपने बेटे रणधीर कुमार सिंह को भी जीत दिलाकर अपनी सियासी बारिश का ऐलान कर दिया। लेकिन बाहुबल 2015 के विधानसभा चुनाव में काम नहीं आया और अपने बेटे की कुर्सी भी नहीं बचा पाया प्रभुनाथ सिंह। जब सियासी सूरज अस्त होने लगा, तब इस प्रभु की पनाह में गए कई पार्टी नेताओं ने भी किनारा कर लिया और फिर शुरू हुआ उसके गुनाहों का हिसाब। अदालत की चौखट पर गवाह खरीदे गए, बाहुबल के दम पर चश्मदीदों को खामोश करने की कोशिश की गई।
लेकिन कहते हैं ना कि कानूनी कागजात बेशक दिखते आम हों, लेकिन गजब का दम रखते हैं। मशरक के विधायक अशोक सिंह अदालत के सामने जो सच बांच गए, उसकी आंच में झुलसा प्रभु जांच की डर से दर दर एक अदद पनहा के लिए परेशान रहा, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई और आखिरकार हुई इंसाफ की जीत। खबर झारखंड से। झारखंड के हजारीबाग जिले की अदालत ने पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह की उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला 22 साल पुराना है। जिस दिन वो दोषी करार दिए गए उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई और इस बीच खबर ये है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 22 साल बाद उम्मीद इंसाफ की चौखट पर जीत गई और बाहुबल के दम पर ता उम्र जनता के रहनुमा होने का भ्रम खरीदने वाले प्रभुनाथ सिंह को सलाखों में कैद कर दिया गया। संतुष्ट हैं लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और अदालत के इस फैसले का हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है उसके लिए भी रास्ता बना हुआ है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तब तक लड़ाई जारी रहेगी तब तक जो हम मांग किए थे कि फांसी की सजा हो, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। काफी देर से आया लेकिन लोग एक कहावत कहते हैं कि देर से मिले न्याय को न्याय नहीं कहा जाता, तो फिर भी जितना प्रभुनाथ सिंह पर 40 जो मामले थे उसमें एक ही ऐसा केस है जिसमें उनको पर कानूनी शिकंजा कसा गया, तो कहीं ना कहीं राहत की बात है हमारे लिए भी। उन मशरक की सताई गई उन विधवाओं के लिए भी जिनको जिनका घर प्रभुनाथ सिंह उजारे हैं अपने आतंक के वजह से, आतंक जो फैला कर रखा था। बेशक प्रभुनाथ सिंह को झारखंड के हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन ये उसके बाहुबल और धनबल का असर ही था कि जेल की सलाखों में भी उसका दरबार लगता था और जेल के सरकारी मुलाजिम दरबान की शक्ल में उसके सामने सजदे करते थे। इसकी तस्दीक तब हुई जब जेल में छापेमारी के दौरान प्रभुनाथ सिंह के कब्जे से 76,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए। ये बात और है कि एक वक्त में सारण समेत बिहार के कई हिस्सों में प्रभुनाथ सिंह का अपना वर्चस्व था। विधायक अशोक सिंह की हत्या के जुर्म में हजारीबाग जेल में बंद प्रभुनाथ के बाहुबल का असर सियासत में खास मौकों पर भले ही कम हुआ हो, पर वो अपने पतन की इस शुरुआत को मन से मानने को अब भी तैयार नहीं है।